समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व मंत्री प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी से, ब्राह्मणों की राजनीति पर जो बहन जी ने सतीश चंद्र मिश्रा जी को ब्राह्मण समाज से जोड़ने के लिए सम्मेलन के लिए निर्देशित किया है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है मिश्रा जी? देखिए, अब चुनाव आया है तो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मायावती जी को दोबारा ब्राह्मण याद आया है। पिछली बार 14 साल पहले याद आया था, अब 14 साल का वनवास जब दोबारा बीत रहा है तो उनको दोबारा याद आ रहा है कि शायद इसी सहारे, ब्राह्मण के शंख के सहारे ही दोबारा हाउस में उनकी गूंज सुनाई पड़ सके। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि अब दोबारा वो गलती ब्राह्मण नहीं करने को तैयार है, कोई भी नहीं करने को तैयार उत्तर प्रदेश में। मुझे तो लगता है जो हमेशा से उनके साथ थे आज वो भी बीएसपी के साथ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से और खासकर ब्राह्मण अपमानित हुआ, तिरस्कृत हुआ, गलत एससी एसटी के मुकदमे फंसे जो आज तक लड़ रहे हो बेचारे, उससे लोग बहुत नाराज हैं, लोग पीड़ित हैं। आज भी जो माहौल था कि जब मुख्यमंत्री जी निकलती थी उस समय तो उसमें सड़कें पहले धोई जाती थी, उसके बाद वो चलती थी उन सड़कों पर, तो उत्तर प्रदेश ये चीजें भूला नहीं है। और उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण जो उसको तिरस्कार हुआ, जिस तरह उसको नीचे जमीन पर बैठाया जाता था, वो बातें आज भूला नहीं है और मुझे नहीं लगता कि एक वोट भी उनको मिलने जाता है। बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण नेता और जो कार्यकर्ता थे उन पे भी मुकदमे लगाए गए और बहुत कठिन कठिन मुकदमे लगाए गए, जिनमें 6-6 महीने वो जेल में रहे, और खासतौर ब्राह्मण समुदाय का, इसके विषय में क्या राय है आपकी? देखिए, जिस तरीके से मुकदमे लिखे गए, लोग आज भी परेशान हैं। बीएसपी की जो रिजीम थी उसको जब याद करते हैं तो 2-3 चीजें लोगों को याद आती हैं। एक, फर्जी मुकदमों में फंसाना, दूसरा करप्शन, मॉन्यूमेंटल करप्शन इस प्रदेश में हुआ था, और तीसरा पत्थर। 3 चीजें ही आदमी याद करता है, और अब उत्तर प्रदेश इन 3 चीजों में से किसी के लिए भी दोबारा तैयार नहीं है। सतीश चंद्र मिश्रा जी ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए निकले हुए हैं, 18 मंडलों में सम्मेलन कर रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं मेरी सरकार बनेगी तो मैं परशुराम जी की मूर्ति भी लगाऊंगा, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए, अगर भाव है, श्रद्धा है, निष्ठा है, आस्था है भगवान में, तो उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग हैं, हमने जब मैंने कहा था उसके बाद ही आदरणीय मायावती जी ने उसकी घोषणा की थी, आपको याद होगा, मैं हम लोगों ने जब कहा कि हम भगवान की 108 फीट की प्रतिमा लगाएंगे, और हम लगाएंगे, हमने ये नहीं कहा सरकार बनेगी तब लगाएंगे, मंत्री हो जाएंगे तब लगाएंगे, विधायक हो जाएंगे तब लगाएंगे, या हमारे बॉस मुख्यमंत्री हो जाएंगे तब लगाएंगे, हम लगाएंगे, हमारी निष्ठा है, हमारी आस्था है, वो मेरा अलग रास्ता है। लेकिन बीएसपी से जो बात आई वो कहा जब सरकार बनेगी तब लगाएंगे, तो इनका सरकार से निष्ठा है, आस्था सरकार में है, लालच सरकार में है, भगवान का तो सिर्फ एक नाम लेकर के इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है वो चीज उन्होंने शायद भाजपा वालों से सीख ली हो, जिस तरीके से उनको लगता होगा कि वहां काम चल गया यहां भी चल जाएगा, लेकिन अब इनका असली चेहरा देख चुकी है पूरे के पूरा उत्तर प्रदेश देख चुका है, अब दोबारा उस रास्ते पे उत्तर प्रदेश चलने को तैयार। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी जी ने कहा बहन जी यदि ब्राह्मणों को इतना सम्मान देना चाहती हैं तो सतीश चंद्र मिश्रा जी को ही मुख्यमंत्री घोषित कर दें। अब ये सवाल तो आपको आदरणीय मायावती से पूछना चाहिए, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी के नेता, ने ब्राह्मणों के लिए अपनी बात स्पष्ट की, और लगातार मैं देख रहा हूं 7 महीने से जिस तरह से उन्होंने गांव गली गलियारों में ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ी, ब्राह्मणों के संघर्ष के साथी रहे और लगातार आज भी लगे हुए हैं, उनसे वार्ता के बाद आप बीती जग बीती न्यूज से रामजी त्रिपाठी, लखनऊ।